हेलो एवरीवन, क्या हाल है। आज मैं आई थी मॉल अपने कजिन्स के साथ और पूरे दिन हमने जो जो मस्ती किया उसको देखने के लिए इस ब्लॉग में बने रहिएगा। तो मैं आई हुई थी अपने बुआ के घर और इस बोरिंग लाइफ से थोड़ा सा किटकैट ब्रेक लेने के लिए मैं गई थी घूमने कजिन्स के साथ। हाथों पर बोतल पकड़े हुए ये हूँ मैं और ये है मेरी रईस बहन, जिसको लगता है कि उसकी दीदी बहुत बड़ी ऑफिसर है और वो मॉल में जाके कुछ भी उठा लेती है। और ये है मेरी फैशनिस्टा दी, जो मॉल में जाके पता नहीं क्या क्या उठाती रहती है, मतलब हमारे जीन्स में ही है ओवर स्पेंड करना। वैसे मेरी बात करो तो टीचर बनके मैं बहुत ज़्यादा मैच्योर हो चुकी हूँ और अब मैं फालतू का सामान इतना ज़्यादा नहीं खरीदती, लेकिन देखने में क्या हर्ज है, देख तो मैं सकती हूँ, है ना। वैसे ये एम बाज़ार है और यहाँ के सॉफ्ट टॉयज इतने क्यूट क्यूट थे, मन तो कर रहा था सारे उठा लूँ, लेकिन मेरा बैंक बैलेंस अलाउ नहीं कर रहा था, तो क्या ही कर सकते, तार के ही काम चला लेती हूँ। वैसे मैं टीचर तो बन चुकी हूँ लेकिन सॉफ्ट टॉयज के साथ मेरा लगाव बहुत ही गहरा है। और ये हूँ मैं पोज करते हुए, मेरा भाई रिकॉर्ड करके दे रहा था, पता नहीं क्या अजीब अजीब पोजेस थे, उसको लग रहा था बहुत कूल है। वैसे पहले जब मैं मॉल जाती थी तो पता नहीं क्या क्या उठा के लाती थी, लेकिन अब जब मैं खुद कमाती हूँ तो कुछ लेने का मन नहीं करता, स्पेंड करने का मन नहीं करता। और ये डॉगी, इसका फेस पूरा मुझसे मिल रहा था, पता नहीं क्यों मुझे एकदम मेरा ट्विन लग रहा था। क्या नोस बिल्कुल मेरे जैसा पकौड़े जैसा है, मतलब बड़ा वाला। और मेरे भाई को पता नहीं ये हाथी बहुत ज्यादा पसंद आ गया था। वैसे क्यूट तो मुझे भी लग रहा था लेकिन 400 रुपए इस हाथी के लिए कुछ ज्यादा ही थे, तो मैंने उसको बोला भाई औकात मेरा रख दे उसको। देन हम लोग चले गए, मतलब मैं और मेरी दी चले गए बैग देखने। यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे बैग्स के कलेक्शन थे लेकिन प्राइस एज यूजुअल बहुत हाई था, मतलब वर्थ इट नहीं था, मतलब जो डिजाइन यहाँ पे थे उसके अनुसार प्राइस बहुत ज्यादा थे। तो अपनी आंखों के तारने से संतुष्ट होकर हम लोग चले गए अपने यूजुअल काम पर, मतलब उटपटांग हरकतें करने। यहाँ हम अजीब अजीब चश्मे अपने फेस पे लगा के देख रहे थे और फिर हम लोग चले गए थे कपड़ों का कलेक्शन देखने। वैसे यहाँ पे बहुत अच्छा कलेक्शन था, बोथ इंडियन वेयर एंड वेस्टर्न वेयर दोनों का कलेक्शन यहाँ पे बहुत अच्छा था, प्राइस रेंज भी ठीक था। इतनी मेहनत करने के बाद एंड कॉन्टेंट शूट करने के बाद हमको बहुत ज्यादा भूख लगती है, तो हम चले जाते हैं रेस्टोरेंट खाने, लेकिन वहां पर भी दिक्कत, मतलब किसको क्या खाना है कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बहुत ज्यादा सलाह मशवरा करने के बाद हमने डिसाइड किया कि जिसका टेस्ट हमें पता है, जिसके टेस्ट से हम वाकिफ है, हम लोग वो ही चीजें ऑर्डर करेंगे। यहाँ पर भाई का खाना आ चुका था और वो वेट कर रहा था कि कब हमारा खाना भी आएगा ताकि उसे हमसे शेयर न करना पड़े, ऐसे ही बोलिए, वो बहुत अच्छा लड़का है। यहाँ 4-4 घंटे वेट करने के बाद हमारा खाना भी आ चुका था, तो हमने रोल मंगवाए थे, चिकन रोल, एंड हाँ बहुत डिलीशियस थे। इस रेस्टोरेंट का नाम तो मैं भूल चुकी हूँ लेकिन अगर मुझे याद आता है तो मैं ज़रूर डिस्क्रिप्शन में बता दूंगी। और ये दी पता नहीं स्माइलीज एंड हार्ट्स क्या क्या बना रही थी। ये है हमारी प्यारी दी अपनी क्रिएटिविटी दिखाते हुए हमारे प्लेट्स पर। और ये मेरे कजिन्स है ना, मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, वो कुछ ना कुछ टिप्स शेयर ही करते रहते हैं मेरे साथ कि दीप आप ये करो वो करो, आप अच्छी ब्लॉगिंग करती हो, आप ये ट्राई करो, मतलब क्या ही बताओ, आई लव यू ऑल। अच्छे से पेट पूजा करने के बाद हम जाते हैं आइसक्रीम कॉर्नर आइसक्रीम खाने, क्योंकि आइसक्रीम इज मेन, मतलब कुछ भी हो, वेदर कैसा भी हो, खाने के बाद आइसक्रीम तो चाहिए ही। इस ठंड में आइसक्रीम एंजॉय करने के बाद हम निकल पड़ते हैं दूसरे शॉपिंग मॉल के लिए। यहाँ हम यूटेंसिल्स वाले सेक्शन में गए थे, पता नहीं क्या देखने, हमें कुछ नहीं चाहिए था वैसे। और यहाँ मेरे भाई लोग सोच रहे हैं कि कहाँ फंस गए यार दीदी लोग के साथ आके, मतलब क्या ही बात है। यहाँ मैं ना बहुत ज्यादा सीरियस होने की एक्टिंग कर रही थी क्योंकि जो पीछे सेल्स पर्सन था ना वो मेरे ऊपर नजर गड़ा के बैठा हुआ था, मतलब नजर हटा ही नहीं रहा था, मतलब क्या ही बोलो, तो मैं ना एक्टिंग कर रही थी चीजें देखने की। और बाहर से किसी तरह नज़र बचा के मैं चली जाती हूँ साड़ीज देखने। आप लोगों तो मेरा प्यार पता है साड़ीज के लिए, मैं तो बहुत बड़ी साड़ी लवर हूँ, मतलब लोग भाभी लवर होते हैं, कुछ लवर होते हैं, मैं हूँ साड़ी लवर। तो मैं यहाँ पे साड़ीज देख रही थी लेकिन यहाँ पे रेगुलर वेयर के साड़ीज इतने ज़्यादा महंगे आ रहे थे ना, इनमें से मैंने कुछ ट्राई तो किए थे लेकिन प्राइस बहुत ज़्यादा हाई था, तो मैंने सोचा कर्पिता छोड़ दे, नहीं ये तेरे बस की नहीं है छोड़ दे। ये सिंपल सा साड़ी ऑलमोस्ट 2000 का था तो मैंने इसको अच्छे से रख दिया। और फिर मैं दूसरे साड़ीज भी देख रही थी, एक कॉटन का साड़ी वो 1200 का था, मतलब भाई क्या ही बताओ, महंगाई कुछ ज़्यादा ही नहीं बढ़ गई है।
कोई नहीं, मैं वहां से हताश होकर निकल लेती हूँ, और इधर मेरा भाई पता नहीं ये क्या कर रहा था, बच्चों का जो वाटर बोतल है वो गले में टांग लिया था, और ये उसने मुझे गिफ्ट किया था, इसका मुंह कुछ ज्यादा ही टेढ़ा नहीं है। तो व्लॉग यहीं तक का था, और आप लोगों को हमारी मस्ती कैसी लगी है जरूर कमेंट करके बताइएगा, और अगर ऐसे ब्लॉग्स आप लोग देखते रहना चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब